गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स कैसी है बच्चा पार्टी गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू द सेशन आज बहुत ठंड है विशाल मौर्य या आज बहुत ठंड है बिल्कुल सही बात है गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून नमस्ते सस््रीकाल वालेकुम सलाम क्या हाल चाल बच्चा पार्टी थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी लास्ट डे हाउ आर यू फीलिंग कैसी फीलिंग आ रही है जिंदा हम जिंदा हैं सारे एवरी वन से हम जीत गए ट्वेंटी ट्वेंटी में होपफुली नेक्स्ट ईयर पेंडेमिक हमारा जो है वो डिसकॉन्टिन्यू कर जाए ट्वेंटी ट्वेंटी में ही रह जाए Yes, 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 कितने बच्चे एक्साइटेड हैं न्यू ईयर के लिए जल्दी से बताओ 2021 और खराब होगा वाह ये देखो नेगेटिव सोच वाले इंसान पहले ही 2021 को इन्होंने खराब करार कर दिया वाह कितने बच्चे एक्साइटेड हैं क्या क्या रेजोल्यूशन लिए हैं जल्दी से बताओ जल्दी से बच्चा बाटी क्या रेजोल्यूशन लिए हैं सारे बच्चों ने चलो हम यहां पे देखते हैं बच्चों का रेजोल्यूशन जल्दी से एवरी वन इन चैट बॉक्स क्या क्या रेजोल्यूशन लिए हैं बच्चा पार्टी ने 2021 के लिए बताइए बच्चों रेजोल्यूशन वाह उपेंद्र सिंह ने देखो कैसा मैं मैं चाहती हूं उपेंद्र सिंह चाहती है वो तो चाहेगा नहीं ये चाहती है कैसे आ गया इस साल हमारा देश बहुत आगे बढ़े वाह गुड न्यू ईयर रेजोल्यूशन 720 ट्वेंटी ये गुड ओके जल्दी बताओ बच्चों रेजोल्यूशन अपने देखते हैं किस कौन से बच्चे के रेजोल्यूशन हम यहां पे अरे भाई ये क्यों आ जाता है हर बार स्कूल नहीं जाऊंगा नाइनटीन आवर स्टडी ऑल इंडिया रैंक वन वेरी गुड क्या बात है ये देखो ये डायरी डायरी से आए मक्खन लेके मक्खन मार रहे हैं बच्चे <laughs> हाँ है बच्चा पार्टी सीआईडी ऑफिसर वाह ये ये गेट तोड़ेंगे बच्चों सीआईडी। वो सीआईडी में कौन होता है जो वो दरवाजों को तोड़ देता है कौन होता है बच्चों वो वो क्या नाम था उसका जो वो गेट तोड़ता है दया हाँ यस दया बिल्कुल ये दया बनना चाहता है दया या या दया न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू फॉलो डॉक्टर सौरभ गोयल सिंसियरली वाह क्या बात है थैंक यू गोपाल बट गोपाल मेरे स्पेलिंग गलत है भाई जीओ वाई एल आता है नॉट ई एल G O Y A L ये देखो उपेंद्र सिंह लिख रहा है मैं चाहती हूं मैं लड़की हूं अच्छा उपेंद्र सिंह हाँ वैसे गर्ल्स भी सिंह वही यूज कर लेती हैं या 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 जल्दी से बच्चों सारे बच्चे बताओ अपना रेजोल्यूशन फॉर न्यू ईयर सर्जन आरुष न्यूरो सर्जन वेरी गुड क्या बात है YouTube पूछ रहे हैं हम कैसे हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जिंदा है बढ़िया है <laughs> खुशी खुशी जाना है न्यू ईयर में गुड मार्क्स इन इलेवेंथ जानवी वेरी गुड ऑल द बेस्ट बच्चा अमन कुमार जस्ट आफ्टर टू मिनट्स कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजी बच्चों पढ़ाई होती है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है नीट क्रैक करना है वेरी गुड नीट फोड़ेंगे वाह क्या बात है नीट फोड़ेंगे बच्चे हमारे यस yes. और हम पूरी हेल्प करेंगे बच्चों आपको नीट फोड़ने में चलो जी आई एम फ्रॉम केरला बट वॉचिंग योर क्लास आई कैन अंडरस्टैंड कंसेप्ट थैंक यू बच्चो थैंक यू मेडिकल कॉलेज वेरी गुड सारे बच्चों का बच्चों ये तो रेजोल्यूशन होना चाहिए कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाना है और अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड पक्का लगाना है बच्चों पक्का ही लगाना है ये तो वेस्ट बंगाल ओके हाथ में लग जाएगा ये देखो पीजे मार रहा है बताओ ये दीक्षा पीजे मार रही है दीक्षा फिजिक्स और केमिस्ट्री को लाइन में लाना है ये क्यों लाइन से गिर गए हैं हैं डॉली डॉली लाइन से गिर गए बच्चा छत्तीसगढ़ नाउ आई एम पर फॉर नाइनटी प्लस इन ट्वेल्थ वेरी गुड डॉक्टर तो लगाना है यस yes, बच्चों बिल्कुल लगाना है आनंद कुमार का स्टूडेंट हूं बट मेरे बायो के गॉड हो अरे बच्चों गॉड गॉड कुछ नहीं होता वी ऑल आर टीचर देखो कोई भी टीचर है ना बच्चों मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ वो कहीं पर भी पढ़ा रहा है वो टीचर की आपको रिस्पेक्ट करनी बनती है कोई भी टीचर है देखो टीचिंग करना कोई इजी टास्क नहीं है ऐसे सबके सामने आना फिर पढ़ाना प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ पढ़ाना कोई गलती नहीं कर सकते अब देखो तुम खुद सोच के देखो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो एक्टर हैं है ना सेलिब्रिटीज हैं वो कितनी बार रिहर्सल करते हैं और रिहर्सल करने के बाद उनका शूट होता है और आप सोचो आपके टीचर्स लाइव होकर आपको पढ़ाते हैं कितने लोग कितने बच्चे कितने टीचर्स उन्हें देख रहे होते हैं और उनके पास एक भी मौका नहीं होता गलती करने का तो तुम सोचो कि टीचर्स जो तुम्हारे हैं वो सच में रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं कोई भी बच्चों टीचर है ना हमेशा हर टीचर की रिस्पेक्ट करो वो अपना अपना एक चॉइस होती है अपना होता है कि कोई बच्चा किसी टीचर के साथ कंफर्टेबल होता है किसी को किसी से पढ़ के अच्छा लगता है बट बच्चों हर टीचर की रिस्पेक्ट करो कोई भी टीचर है किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो हर टीचर की रिस्पेक्ट करो ठीक है चलिए बच्चों तो ये भी सारे बच्चों ने ये भी सारे बच्चों ने रेजोल्यूशन लेके जाना है नेक्स्ट ईयर की हमेशा हर टीचर की आपने रिस्पेक्ट करनी है चाहे कोई भी टीचर है वो कहीं पर भी पढ़ा रहा है बच्चों टीचिंग करनी इजी नहीं होती कभी तुम ट्राई करके देखना किसी मतलब कहीं खड़े होके पांच दस मिनट के लिए बोल के देखना तुम्हें तुमसे बोलना भी नहीं जाएगा और तुम सोचो तुम्हारे टीचर कितनी मेहनत करते हैं कितने सेशनस लेते हैं तुम्हारे लिए ठीक है चलिए तो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं गोपाल ने एक शायरी लिखी है सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है वाह क्या बात है इसने हमारा आज का दिन बना दिया और अब हम करते हैं बच्चों आज का सेशन स्टार्ट बच्चों आज हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि वाटर पोटेंशियल क्या है क्या होता है कैसे वाटर पोटेंशियल को हम रिलेट करेंगे विद द मूवमेंट ऑफ वाटर तो बच्चों आज मैं आपको बहुत ही इजी टर्म्स में समझाऊंगा तो सारे बच्चों ने ध्यान से समझना है ठीक है तो चलिए बच्चों जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आईकॉन दबा दीजिए और बच्चों ये है वेदांतु की नीड प्रो सब्सक्रिप्शन इसमें आपको फाइव थाउजेंड प्लस की लाइव ऑनलाइन टीचिंग इसमें आपको आपको teach करते हैं साथ में बच्चों बच्चों इसमें इसमें और और की भी option मिलती है आप अपने weak strong कर सकते हो हेल्प ऑफ माइक्रो कोर्सेज ठीक है बच्चों देन इसमें आपको बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की फुल एक्सेस मिलती है बच्चों आप अनलिमिटेड डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो सब्सक्रिप्शन वन मंथ थ्री सिक्स ट्वेल्व मंथ्स के लिए अवेलेबल है तो बच्चों जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फैमिली का पार्ट बन जाइए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां पर एस ए जी प्रो कोड आपको अप्लाई करना है जिससे आपको अल्टीमेट डिस्काउंट अवेल हो जाएगा सो so बच्चो ये है 2020 के लास्ट डे का शेड्यूल तो सारी क्लासेस बच्चों आपको लगानी है तो चलिए बच्चों आज हम शुरू करते हैं वाटर पोटेंशियल अच्छा बच्चों वाटर पोटेंशियल को शुरू करने से पहले मुझे यह बताओ जो हमने डीपीडी पढ़ा था प्रीवियस सेशन में क्या वो आपको क्लियर है बच्चों डीपीडी नहीं नहीं राशि साहू मेंटी नहीं आज हम पढ़ेंगे वो बाद में हम जो क्वेश्चंस करते हैं क्विज तो होगा ही होगा बट पहले हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल को अच्छा बताओ जल्दी से डीपीडी क्लियर है सारे बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है डीपीडी में टर्गर प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर में सक्शन प्रेशर वॉल प्रेशर किसी भी टर्म में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो नॉलेज विद नितेश बोल रहा है कि नीट दो बार होगा भाई तेरा नाम नॉलेज है बेटा तो तेरे को पता होना चाहिए तू हमें बता डोंट वेस्ट टाइम बच्चों नेक्स्ट ईयर मैं आपको यही कहूंगा एक ये भी ना तुम्हें सबको रेजोल्यूशन रखना चाहिए तुम्हें यह भी रेजोल्यूशन रखना चाहिए कि तुम ये फालतू की जो मतलब न्यूज है इनके ऊपर फोकस मत करो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई न्यूज ऐसी है वो तुमसे पता नहीं और तुम नीट का पेपर देने चले जाओगे हर बंदा चीख चीख के तुम्हें बताएगा कि ये कुछ हुआ ये हुआ ये हुआ तो बच्चों सारी चीजों को छोड़ के पढ़ाई पे फोकस कर लो ठीक है चलो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन तो डीपीडी बच्चों क्लियर है तो अच्छा अगर डीपीडी आपको क्लियर है तो मुझे फिर एक क्वेश्चन करके बताओ डीपीडी का हम डीपीडी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं चलिए बच्चों यहां पे बच्चों ये मैं सेल बना रहा हूं इस तरह हाँ से बच्चों ये सेल है इसमें से ये है ए ये है बी और ये है सी ठीक है क्लियर इसका बच्चों ओ पी है टेन एटमॉस्फेयर में यूनिट्स नहीं लिख रहा तुम कंसीडर कर लो एटमॉस्फेयर है ठीक है इसका टीपी है फाइव ठीक है बच्चों देन इस बी वाले सेल का ओ पी है फिफ्टीन और इसका टीपी है टेन और जो C वाला है उसका OP है हम मान लेते हैं 16 मान लेते हैं चलो और इसका जो TP है वो हम मान लेते हैं 8 ठीक है बच्चों तो ये क्वेश्चन है बच्चों अब आपको बताना है मुझे मूवमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर बताना है मूवमेंट ऑफ वाटर बताइए बच्चों A से B या फिर ए से सी या फिर बी से सी या फिर बच्चों इनमें से वन टू थ्री में से कोई मल्टीपल भी हो सकता है बताइए बच्चों जल्दी से ए टू बी एंड ए टू सी ए टू बी एंड ए टू सी ओके जल्दी जल्दी एवरीवन ओके okay. तो चलिए बच्चों अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है देखिए बच्चों हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था मुझे बताओ ए की डीपीडी -डी कितनी आएगी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से समझना ए की डीपीडी -डी कितनी आएगी जल्दी से बताओ ए की डीपीडी -डी कितनी आएगी बिल्कुल मेघा ने सही बताया फाइव बी की डीपीडी -डी बताओ बी की डीपीडी -डी कितनी आएगी यस yes, बिल्कुल सही इसकी डीपीडी भी आएगी फाइव और देन बच्चों सी की डीपीडी कितनी आएगी एट एग्री बराबर चलिए अब देखिए बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिसकी डीपीडी ज्यादा वो ज्यादा भूखड़ होगा और वो ज्यादा पानी को खींचेगा मतलब वो ज्यादा करप्टेड है डीपीडी जिसका ज्यादा कम तो मतलब कि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जाता था वाटर तो देखिए बच्चों एक तो पानी की मूवमेंट होगी ए से सी ठीक है देन बच्चों एक होगी बी से सी एग्री मानते हो बी से सी भी होगी उसके बाद बच्चों अब यहां पे एक ट्रिक है यहां पे बच्चों डीपीडी फाइव यहां पे भी डीपीडी फाइव तो यहां पे तुम ये नहीं बोलोगे कि यहां से पानी ए टू बी या बी टू ए नहीं जा रहा यहां पे बच्चों तुम बोलोगे कि इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम में है मतलब जितना पानी ए टू बी से जा रहा है उतना ही बी टू ए जा रहा है मतलब यहां पे पानी इक्विलिब्रियम में है ठीक है क्लियर बच्चों जितने बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से चार्ट में क्रिस्टल क्लियर लिख दो जितने बच्चों को समझ में आ गया क्रिस्टल क्लियर अगर किसी का कोई डाउट है वो जल्दी से बताओ मैं रिपीट कर देता हूं वेरी गुड क्या बात है सारे बच्चों को क्लियर हो गया गुड चलिए जी नंदिनी शर्मा डीपीडी फुल फॉर्म डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट अरे क्या बात है वेरी गुड दे पानी दे यस वेरी गुड चलो बच्चों ठीक है समझ में आ गया चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं आगे अब नेक्स्ट जो हमारा बच्चों कंसेप्ट है दैट इज वॉटर पोटेंशियल अब बच्चों वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है और ऊपर से ना इसमें नेगेटिव साइन आएगा जब हम आगे देखेंगे तो कई बार हमारे से गलती हो, हो जाती है बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं वो गलती होने के क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाता है तो अब मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि ये क्या है वाटर पोटेंशियल देखो बच्चों वाटर पोटेंशियल नाम से क्या लग रहा है वाटर तो तुम्हें पता है पानी ठीक है पोटेंशियल का मतलब बच्चों क्या होता है पोटेंशियल हम कहते हैं ना उसमें इस चीज को करने का पोटेंशियल है है ना मतलब वाटर के पास क्या पोटेंशियल है क्या ताकत है क्या एनर्जी है किसी चीज को करने की समझ में आया वाटर पोटेंशियल क्या है सिंपल वर्ड्स में कि वाटर के पास कितनी एनर्जी है काम को करने की ठीक है क्लियर अब देखिए बच्चों केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फ्री एनर्जी या फिर तुम बोल सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी ठीक है बच्चों चाहे आज वाले सेशन के ना तुम अगर नोट्स बनाना चाहते हो थोड़े बहुत नोट्स बना लेना ठीक है वैसे तो कंटेंट आगे लिखा हुआ है बट मैं तुम्हें फ्लो चार्ट की फॉर्म में इजी सा करके भी समझाऊंगा तो अगर तुम नोट्स बनाना चाहते हो साथ में वो भी बना लेना ठीक है अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चों तुम देखो इसको सिंपल ले में लैंग्वेज में समझो कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है मान लो एक बिलीनियर बंदा है ठीक है कोई बेलिनियर बंदा उसके पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि वो है। वो बेलिनियर बेलिनियर है बट बच्चों बंदा अपने सारे पैसे नहीं खर्च सकता कोई भी इंसान है दुनिया में वो अपने सारे पैसे नहीं खर्च सकता बट उसके पास कुछ अमाउंट ऐसी होती है जिसको वो खर्च सकता है उड़ा सकता है पार्टीज कर सकता है एंजॉय कर सकता है ठीक है तो अब क्या होता है बच्चों उससे जो तो एनर्जी किसी भी इंसान के पास उड़ाने के लिए खर्च करने के लिए इंजॉय करने के लिए होती है उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी फ्री का पैसा उड़ा लो ठीक है यहां पर भी बच्चों कोई भी मैटर है कोई भी सॉल्यूशन है जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो एनर्जी होती है खर्च करने के लिए काम करने के लिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी ठीक है बच्चों क्लियर अब सुनिए अब ये तो बात हुई गिब्स फ्री एनर्जी की अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है बच्चों अब इसमें देखिए अगर हम कहें कि ये एनर्जी पर मोल है ठीक है एक मोल पार्टिकल्स की जितनी एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों केमिकल पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल ठीक है जी क्लियर केमिकल पोटेंशियल समझ में आया क्या है केमिकल पोटेंशियल वन मोल पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी है काम को करने की अब बच्चों यहां पे हमने कहा किसी के पास भी अगर हम बोल दे पानी के पास अगर यहां पे हम बोलें कि पानी के पास कितना पोटेंशियल है काम करने का उसको हम बोल देते हैं वाटर पोटेंशियल मतलब कि वाटर पोटेंशियल पर मोल ऑफ वाटर के पास कितनी एनर्जी है काम को करने की उसको हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल ठीक है और ये जो वाटर पोटेंशियल होता है बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं विद द लेटर साई ठीक है साई के पैर में डाल दो पानी ठीक है इसके पैर गंदे होंगे तो उसके पैर गंदे होंगे तो पैर धोने पड़ेंगे ना तो इसलिए पानी डाल दो उसके पैरों पे। तो साई के पैर में जब डाला W, तो वो बन गया हमारा वाटर पोटेंशियल ठीक है जी बन गया वाटर पोटेंशियल अब ये जो वाटर पोटेंशियल होता है बच्चों ये प्योर वाटर का प्योर वाटर बोले तो जिसमें कुछ भी नहीं डला हुआ जो बिल्कुल प्योर है हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था जिसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया कोई भी करप्शन नहीं की कोई भी रिश्वत नहीं ली वो वाला प्योर वाटर और हमने बच्चों इसको मान लिया कि प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो ठीक है बच्चों प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है जिसे हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल वो होता है जीरो मतलब क्या हुआ इस चीज का कि अब जब भी कभी वो जो पानी है वो रिश्वत लेगा बोले तो उसमें कुछ डाला जाएगा कोई सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा अगर वो जीरो से डिक्रीज होगा तो इसका मतलब वो नेगेटिव में चला जाएगा तो दैट्स वाई बच्चों हमेशा हर सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि उसने कभी ना कभी कोई रिश्वत ली होती है कभी ना कभी उसमें कभी ना कभी सॉल्यूट को मिक्स किया होता है क्लियर बच्चों समझ में आया कितने बच्चों को वाटर पोटेंशियल का फंडा समझ में आया पहले ये बताओ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है जल्दी 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 एवरीवन कि वाटर पोटेंशियल क्या है देखो बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ ना एक फंडा बताता हूँ तुम्हें पढ़ाई करने का यूजली ना जब मैं भी पढ़ता था मतलब जब मैं प्लस वन प्लस टू में था मुझे भी मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत मतलब कह तुम कह सकते हो कि एक बार मैं चीजों को समझ लेता था मुझे भी बड़ी दिक्कत आती थी चीजों को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ लेता था मेहनत कर लेता था तो बट मैं ना एक चीज देखता था जब मैं ना जब किसी भी चीज़ को पढ़ता था ना तो मैं हमेशा उस चीज के बारे में सोचता था कि अगर किसी लेमैन लैंग्वेज में इसको सोचा जाए बिल्कुल बेसिक से अगर इसको बेसिक से सोचा जाए तो मैं क्या सोचूंगा उस चीज के बारे में वो क्या चीज़ है क्योंकि हम सारे एक तरीके से लेमैन की तरह हैं, जब हम प्लस वन प्लस टू में आते हैं हमें कौन सा बहुत सारी चीजें आती हैं तो इसलिए जब मैं वो ऐसे सोचता था तो मैं बिल्कुल बेसिक से जाके सोचता था तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे मुझे बेनिफिट मिल जाता था शायद उसी वजह से आज मैं तुम्हें भी इतना बेसिक से समझा पाता हूं तो बताओ बच्चों क्लियर रिपीट दिव्यांशी क्या रिपीट करना है देखो इसमें मैंने सिंपल यही बोला कि एक मोल पानी के पास जितनी एनर्जी है काम करने की उसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल और जो प्योर वाटर है जिसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका वाटर पोटेंशियल जीरो होता है ठीक है क्लियर चलिए जी अब समझिए आगे अब हम देखते हैं अब बच्चों ये जो वाटर पोटेंशियल है ये जो वाटर पोटेंशियल है बच्चों ये कितना होता है कितना होता है बच्चों ये वाटर पोटेंशियल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के साथ प्रेशर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल इन दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है ठीक है क्लियर बच्चों अब अगर हम इन दोनों चीजों का रिलेशन देखें तो इन दोनों चीजों का रिलेशन हमारे पास क्या बना देता है वाटर पोटेंशियल ठीक है अब देखिए कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की अब सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है बच्चों सबसे पहले समझिए ध्यान से एक एक पॉइंट समझाऊंगा वैसे ही लाइन में समझते जाना एक एक चीज ठीक है सॉल्यूट पोटेंशियल में बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया एडिशन करी सॉल्यूट की एडिशन ऑफ सॉल्यूट ठीक है बच्चों सोल्यूट को डाला मतलब पानी को रिश्वत दे दी अगर पानी को रिश्वत दे दी तो पानी अब करप्ट हो जाएगा मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा बच्चों इसके पीछे की भी स्टोरी अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि क्यों होता है क्यों होता है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज तो बच्चों इसको समझिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एन डाला ठीक है एन ए डाला अब यहां पे एन प्लस है यहां पे सी नेगेटिव है अब बच्चों ये जो एन प्लस है इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है अब जो वाटर होता है दिस इज एच दिस इज एच एंड दिस इज ओ ठीक है ओ के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव एन के ऊपर क्या है पॉजिटिव तो यहां पे बच्चों अट्रैक्शन होती है मतलब कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं विद डीज चार्जेस जब वो इन चार्जेस के साथ ट्रैप हो जाते हैं तो आप मुझे बताओ क्या वो फ्रीली मूव कर पाएंगे अगर वो इनके साथ अट्रैक्ट हो गए बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे अगर अब वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव ही नहीं कर पा रहे तो वो काम नहीं कर पाएंगे अगर वो काम नहीं कर पाएंगे इसका मतलब उनकी एनर्जी कम हो गई एनर्जी कम हो गई मतलब उनका वाटर पोटेंशियल कम हो गया ठीक है क्लियर तो अब देखिए बच्चों जब हमने एडिशन किया सॉल्यूट का तो एडिशन करने से सॉल्यूट के क्या हुआ बताइए सोल्यूट के एडिशन करने से क्या हुआ फ्री एनर्जी डिक्रीज़ेस। फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी अगर बच्चों फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी तो बच्चों वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब जब भी कभी हम प्योर वाटर में किसी भी चीज को डालेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा रमेश चंद्र <laughs> रमेश कह रहा है कि इसका मतलब कुछ डालना नहीं है बेटा वो तो डालना है ये तो जस्ट एक कंसेप्ट है कि किस तरह से अभी रुको वेट करो वेट करो पेशेंस रखो पेशेंस ठीक है चलिए तो फ्री एनर्जी कम हुई वाटर पोटेंशियल कम हुआ अब समझिए बच्चों हम यहां पे किस चीज की बात कर रहे थे सॉल्यूट पोटेंशियल की साई एस इज सॉल्यूट पोटेंशियल तो अब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ बच्चा पार्टी जब भी कभी हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे पानी में जितना पोटेंशियल कम हुआ इस पानी का जितनी फ्री एनर्जी कम हुई इस पानी की उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल समझ आया देखो कितने सिंपल वर्ड्स में तुम्हें समझा रहा हूं जब कभी भी हम सोल्यूट को ऐड करेंगे वॉटर में तो वॉटर की जितनी फ्री एनर्जी कम होगी तो उसको हम बोलेंगे सोल्यूट पोटेंशियल और अब तुम बताओ मुझे वॉटर पोटेंशियल को हमने जीरो माना था प्योर वॉटर को जीरो माना था तो जब भी हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा जाएगा बच्चा पार्टी नेगेटिव में तो अगर बच्चों वो नेगेटिव में जाएगा तो इसका मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होगा बच्चा पार्टी कितने बच्चों को समझ में आ गया यहां तक ठीक है ये कुछ बच्चे ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछ रहे हैं बताओ फिर तुम उसके बाद पूछोगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोटेंशियल क्या होता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो ऐसे क्वेश्चन के आंसर थोड़ी ना अब मैं करूंगा ये बायो का पार्ट नहीं है तुम यहां पे फोकस नहीं करते तुम्हारी कंसंट्रेशन पता नहीं कहां चली जाती है देखो मुझे डाउट बताने में कोई दिक्कत नहीं है तुम कहीं से कैसा भी डाउट ले आओ कोई चक्कर नहीं है बट ऐसे लेकर तो बायो क्या हो ना ठीक है चलो बच्चों तो ये तो बात हुई बच्चों सोल्यूट पोटेंशियल की अब हम बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल की अब बच्चों दिमाग में तुम्हारे क्या होना चाहिए जब तुम प्रेशर पोटेंशियल को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए टर्गर प्रेशर बेसिकली ना बच्चों तुम्हें अगर मैं इस इस वाटर पोटेंशियल की कहानी बताऊं इसके पीछे की क्या कहानी है तो ये है डीपीडी ही ये है बच्चों डीपीडी ही बस DPD को ना मॉडर्न लैंग्वेज में हमने वाटर पोटेंशियल बोल दिया मैं उसको भी प्रूफ करूंगा आज, मैं उसको भी प्रूफ करूंगा बट तुम पेशेंस रखो थोड़ा सुनो अब इसको अब यहाँ पे बच्चों प्रेशर पोटेंशियल की बात हो रही है मतलब टर्गर प्रेशर अब मुझे तुम एक बात बताओ जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो कौन सी ऑस्मोसिस होगी जब हम किसी सेल को हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो कौन सी ऑस्मोसिस होगी जल्दी एंडो ऑस्मोसिस होगी बिल्कुल सही अब बच्चों हमने क्या किया जब हमने सेल को प्लेस किया हाइपोटोनिक में ठीक है तो उस वक्त बच्चों क्या होगी एंडो ऑस्मोसिस जब बच्चों एंडो अब इमेजिन करो एक सेल है उसके अंदर पानी आ रहा है मतलब उसके अंदर पानी आ रहा है तो उसके अंदर क्या मेंटेन होने लग गया टर्गर प्रेशर उसके अंदर बच्चों टर्गर प्रेशर मेंटेन हो रहा है अगर बच्चों तुम अब मुझे बताओ अगर उस सेल के अंदर पानी आ रहा है तो इसका मतलब उस सेल की फ्री एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है जल्दी 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 अगर एक सेल के अंदर पानी आ रहा है तो उस सेल की फ्री एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है बिल्कुल सही वेरी गुड बढ़ रही है अब देखिए बच्चों यहां पे हुई एंडो ऑस्मोसिस उसके बाद बच्चों फ्री एनर्जी क्या हो रही है बढ़ रही है ठीक है बच्चों? फ्री एनर्जी बढ़ रही है अगर फ्री एनर्जी बढ़ रही है तो मुझे बताओ वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा इंक्रीज। पोटें, वाटर पोटेंशियल भी बच्चों क्या होगा इंक्रीज तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों अब यहां पे एक चीज याद रखनी है यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं जब वो सुनते हैं कि वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि जीरो से वन टू थ्री फोर होगा कभी भी नहीं बच्चों मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल तो जीरो होता है तो मतलब कि वो ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव होगा यहां पे बच्चों कैच है जहां पे गलती होती है मतलब कि अगर वो माइनस फाइव है तो माइनस फाइव से वो माइनस थ्री हो सकता है माइनस टू हो सकता है दीपांशु समझ में नहीं आ रहा देखो बच्चा इसको ना वैसे बहुत इजी है बट आपको इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी तो ही समझ में आएगा देखो मैं इतने इजी वे से समझा रहा हूं तुम्हें ठीक है क्लियर तो अब बच्चों टर्गर जो प्रेशर पोटेंशियल है वो समझ में आया कि जब कोई सेल है उसके अंदर पानी आता है उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल ठीक है क्लियर समझ में आ गया चलो एक बार बच्चे कह रहे हैं रिपीट करने को मैं एक बार रिपीट करता हूं देखो बच्चों वाटर की उससे कम हो जाती है। और फ्री एनर्जी अगर कम हुई बच्चों तो वो वाटर पोटेंशियल को भी कम कर दी अब जितना वाटर का पोटेंशियल कम हुआ ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट दैट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल एग्री उसके बाद अब बच्चों अगर सेल के अंदर पानी आ रहा है तो वो टर्जिड बन रहा है अगर वो टर्जिड बन रहा है बच्चों तो उसकी फ्री एनर्जी बढ़ रही है अगर उसकी फ्री एनर्जी बढ़ रही है बच्चों तो उससे क्या है वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा निपु निपू जी और क्या समझना है ये नहीं सर और क्या चलो बच्चो ये लिख लिया सभी ने इरेज कर दूं मैं इसको जल्दी जल्दी लिख लो ये चलो ओके तो बच्चों अब देखो अब मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं अब जो भी जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं सारे सेशन में उसको अब मैं रिलेट करूंगा आपस में तो देखिए बच्चों मान लीजिए बच्चों अब हमारे पास यहां पे एक सेल पड़ा है ठीक है ये एक क्या है फ्लैसिड सेल है ये एक फ्लैसिड सेल है ठीक है बच्चों अगर यह फ्लैसिड सेल है तो मुझे बताइए बच्चा पार्टी इसका टर्गर प्रेशर कितना होगा हमने प्रीवियस क्लास में किया था अगर यह फ्लैसिड सेल है तो इसका टर्गर प्रेशर कितना होगा एवरी वन इन द बॉक्स यस इसका जो टर्गर प्रेशर है वो जीरो होगा ठीक है टर्गर प्रेशर इसका जीरो होगा अब बच्चों मान लीजिए इस सेल का वाटर पोटेंशियल है माइनस टेन बार मान लीजिए ठीक है जी क्लियर अब बच्चों इसका जो माइनस टेन बार वाटर पोटेंशियल है इसका मतलब बच्चों ये हुआ इसका सोल्यूट पोटेंशियल भी कितना हुआ माइनस टेन बार क्योंकि टर्गर प्रेशर प्रेशर पोटेंशियल तो जीरो है एग्री करते हो बच्चों इस चीज को अब देखिए बच्चों अब जब ये सेल को हमने हाइपोटोनिक में प्लेस किया तो हाइपोटॉनिक में प्लेस करने से क्या होने लग गई एंडो ऑस्मोसिस होने लग गई एंडो ऑस्मोसिस होने लगी बच्चों जब इसमें एंडो ऑस्मोसिस हुई तो अब उस वक्त मान लीजिए ये क्या होने लग गया बिकम टर्जिड अब टर्जिड बनेगा बच्चों, अगर ये तो टर्जिड में मान लीजिए इसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो आ गया प्लस फाइव बार ठीक है प्लस फाइव बार आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों अब इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो गया वाटर पोटेंशियल यहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल कितना था माइनस टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू तो माइनस फाइव बार इज इक्वल टू तो माइनस फाइव बार अब देखिए बच्चों माइनस टेन बार से माइनस फाइव बार हो गया माइनस टेन बार से माइनस फाइव बार हो गया मतलब कि बच्चों वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ठीक है वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है क्लियर समझ में आ गया चलो बच्चों तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से बच्चों जितने बच्चों को समझ में आ गया क्रिस्टल क्लियर विद द हार्ट डॉक्टर साइन जल्दी से इन द चार्ट बॉक्स फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम थ्योरी करेंगे फिर हम लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया ओके okay. चलो बच्चों जितनों को समझ में आ गया जल्दी से बच्चों क्रिस्टल क्लियर और वीडियो को लाइक कर दो बच्चा पार्टी चलो जी सो so, अब बच्चों मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ तो हम एक क्वेश्चन करते हैं ए एंड बी ठीक है ये दो सेल हैं इस सेल का जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो मान लीजिए बच्चों फाइव बार है और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो टू बार है ठीक है ये जो बी सेल है इसका सोल्यूट पोटेंशियल है टेन बार और जो इसका प्रेशर पोटेंशियल है वो है बच्चों फाइव बार तो तुम्हें मुझे बताना है मूवमेंट ऑफ वॉटर मूवमेंट ऑफ वॉटर बताना है बताइए ए टू बी बी टू ए यहां पे मैंने एक ट्रिक डाली है बच्चों साइंस का ध्यान रखना है साइंस का ध्यान रखना है B to A, एके okay. तो देखिए बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को पहले तो यहां पे बच्चों लगेगा माइनस का साइन क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव वैसे तो बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया होगा बट अगर आपको नहीं दिया तो आपको यहां पे लगाना है ठीक है क्लियर अब देखिए इसका वाटर पोटेंशियल कितना आया बताओ माइनस टू माइनस फाइव प्लस टू मीन्स माइनस थ्री बार ठीक है अब यहां पे देखिए बच्चों यहां पे कितना आया वाटर पोटेंशियल माइनस फाइव बार एग्री अब माइनस थ्री और माइनस फाइव है बच्चों। तो बताओ मुझे किसका ज्यादा वाटर पोटेंशियल है माइनस थ्री माइनस फाइव इसका तो अगर इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो पानी ए टू बी जाएगा ए टू बी ठीक है क्लियर तो इसका मतलब बच्चों अगर हमें यह बताना हो अगर हमें इसका रिजल्ट बताना हो तो इसका रिजल्ट बच्चों में कैसे बताऊंगा वॉटर मूव फ्रॉम लो वॉटर पोटेंशियल टू हाई वॉटर पोटेंशियल या हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वॉटर पोटेंशियल जल्दी से बताइए पानी की मूवमेंट कहां से कहां होगी लो वॉटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल या फिर बच्चों हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वॉटर पोटेंशियल जल्दी से बच्चा पार्टी एवरी वन हाई टू लो एवरीवन एवरीवन जल्दी से ओके okay. बिल्कुल सही बच्चों हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल ठीक है क्लियर चलो जी अब मैं ना तुम्हें बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं हमारे एक सेशन में क्वेश्चन भी आया था और मैंने तुम्हें कहा था कि वो हम बाद में करेंगे अब मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा देखिए बच्चों जैसे हमने पढ़ा था डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी यही पढ़ा था बच्चों हमने इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी अब बच्चों ये जो ओपी होता है ओपी इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल बट ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों ये इसके सेम होता है ठीक है जी क्लियर अब बच्चों एक चीज हमने और करी टर्गर प्रेशर को हम किससे रिलेट करते हैं प्रेशर को हम किससे रिलेट करते हैं प्रेशर पोटेंशियल के साथ ठीक है जी अब देखिए बच्चों यहां पे मैं इसी रिलेशन को चेंज करूंगा डीपीडी इज इक्वल टू माइनस दिस माइनस टीपी या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो ये देखिए ठीक है अब तुम देखना एक और चीज डीपीडी इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मानते हो ये बताओ बच्चों एग्री तो यही तो बच्चों हमने पढ़ा था यही तो मैंने तुम्हें बताया कि डीपीडी क्या है बेसिकली वाटर पोटेंशियल ही है और बच्चों ये जो डीपीडी वाटर पोटेंशियल इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होता है तो अगर बच्चों वैसे यूजली मैं क्या करता हूं मैं जब वाटर पोटेंशियल मेरे पास निकल आता है ना तो मैं उसका साइन ऑपोजिट करके उसे डीपीडी मान लेता हूं क्योंकि पॉजिटिव साइन में वाटर की मूवमेंट करवानी ईजी है उसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं ठीक है बच्चों क्लियर यस yes, बिल्कुल सही दिनेश दिमाग हिलाने वाला चैप्टर है दिमाग हिलाने वाला नहीं दिमाग लगाने वाला चैप्टर है देखो अब ऐसा भी बच्चों हो सकता था कि मैं तुम्हारे सामने सिंपल सिंपल सी यहां डेफिनेशन सी लिख के ले आता ये वाटर पोटेंशियल है ये प्रेशर पोटेंशियल उसका कोई फायदा नहीं होना था ठीक है तो मैं चाहता हूं कि तुम नीट में क्वेश्चन कर सको अच्छे से इसीलिए मैंने तुम्हें सारा कुछ इतने अच्छे से समझाया है अगर तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई फिर कोई भी तुम क्वेश्चन करके देखना हम आज क्वेश्चन करेंगे भी तुम्हें सारे समझ में आ जाएंगे ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे जल्दी से बच्चों, एवरीवन मुझे बताओ वाटर की मूवमेंट बतानी है तुम मुझे सबने वाटर की मूवमेंट वाटर मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों वाटर मूवमेंट तुम्हें मुझे बतानी है ओपी टीपी वाटर पोटेंशियल डीपीडी ये बतानी है बच्चों तुम सबको ओपी के साथ लिखना है तुम्हें सबको हाई टू लो टू या लो टू हाई बताना है कहां पे हाई टू लो आएगा कहां पे लो टू हाई आएगा जल्दी से बच्चों एवरीवन वन पहले ओपी का बताओ ओ पी हमने पढ़ा था ओपी का क्या है लो टू हाई देखो सही है हमने पढ़ा था लो टू हाई और प्रेशर बच्चों लो का मतलब कम कंसंट्रेशन कम कंसंट्रेशन मतलब पानी ज्यादा तो पानी लो टू हाई जाएगा ठीक है बच्चों टीपी बताओ टीपी टर्गर प्रेशर हाई टू लो टर्गर प्रेशर अगर ज्यादा होगा मतलब पानी ज्यादा अब मुझे बताओ वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल बताओ बच्चों वाटर पोटेंशियल हाई टू लो ठीक है अगर वाटर पोटेंशियल हाई टू लो तो डीपीडी लो टू हाई डीपीडी होगी लो टू हाई एंड बच्चों अगर मैं आपसे एक और पूछ लू डिफ्यूजन प्रेशर वो भी हम कर लेते हैं सारे ही हो जाएंगे फिर हमारे डिफ्यूजन प्रेशर तो डिफ्यूजन प्रेशर बताओ बच्चों हाई टू लो या लो टू हाई हाई टू लो अरे भाई रेज हो जाओ ये क्या हो गया रेज ही नहीं हुआ हाई टू लो ठीक है बच्चों समझ में आ गया कितने बच्चों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया जल्दी से मी इन द चार्ट बॉक्स विद द डॉक्टर साइन जल्दी 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 बच्चा पार्टी अब देखो बच्चों आई थिंक यहां तक अब आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है क्लियर ओके चलो जी तो अभी भी बच्चों इसको समझने के बाद अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट कर देना बाद में वीडियो में मैं उसको बता दूंगा ठीक है बच्चों देन बच्चों ये सारा जो भी आज हमने पढ़ा है ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है तुम ये सारा पढ़ लेना ठीक है ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम पढ़ सको तुम्हें पीडीएफ मिलेगी ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों ठीक है तो ये तुम सारे यहां से पीडीएफ में और ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सारे बच्चों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है ठीक है हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम कम है ये तुम एक बार कर लेना ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम करते हैं हमारे क्वेश्चन आज के चलो बच्चो नाउ इट्स आर क्विज टाइम तो बच्चों सारों ने आज सही आंसर करना है देखो मैंने इतने अच्छे से तुम्हें इतना ईजी वे में सारी चीजें बता दी है तो सारों ने अब अच्छे से करना है चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन बताइए मैंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन इसमें डाल हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ फर्स्ट का द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल बिल्कुल सही जीरो बिल्कुल सही बच्चा पार्टी वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर क्या होती है जीरो गुड चलिए बच्चों देखना कितने जल्दी से अगर तुमने सेशन अच्छे से सुना है ना एक सेकंड में क्वेश्चन होएंगे वेन द सोल्यूट है सोल्यूशन इट्स वॉटर पोटेंशियल बिल्कुल सही देखो कितना ईजी लग रहा है अब देखो बच्चों जब ये नीट में क्वेश्चन आते हैं ना तो हमें वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं हमें पता नहीं लगता अगर तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो तुम देखना कितना ईजी वे में तुम कर पा रहे हो ठीक है चलो नेक्स्ट वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल व्हेन इट प्लेज इन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन अब ये थोड़ी सी ट्रिक है बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जल्दी 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 एवरीवन यस वेरी गुड अमित राज गलत हो गया बच्चों डिक्रीज करेगा अगर हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होगा पानी बाहर जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस होगी अगर एक्सो ऑस्मोसिस होगी तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ठीक है चलो जी नेक्स्ट बच्चों, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज अब यहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ध्यान रखना है इस चीज का ऑस्मोटिक पोटेंशियल चलिए बिल्कुल सही बच्चों ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज बेसिकली सॉल्यूट पोटेंशियल एंड यू नो इट इज ऑलवेज नेगेटिव यहां है गलती मत करना ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज सॉल्यूट पोटेंशियल चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज यहां पे ट्रिक आ गई सॉल्यूशन का पूछा बच्चों नॉट वाटर तो इसलिए वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा यस yes. नेगेटिव होगा बिल्कुल सही नेगेटिव होगा बच्चा पार्टी चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल बिकम्स जीरो इट इज सेड टू बी इन बताओ बच्चों अगर वाटर पोटेंशियल जीरो हो जाए डी क्यू नहीं होगा कौन से क्वेश्चन का गोपाल हाँ बिल्कुल सही गोपाल वेरिएबल भी आ सकता है सही बात है गोपाल वेरिएबल भी आ सकता है बट ना ज्यादा अप्रोप्रिएट नेगेटिव है इसलिए मतलब वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना नेगेटिव तो वो पक्का रहेगा ही रहेगा इसलिए हमने ज्यादा प्रायोरिटी नेगेटिव को दी ठीक है गोपाल गुड क्वेश्चन वेरी गुड चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से वेन द वॉटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल बिकम्स जीरो इट इज सेट टू बी इन गलती कर रहे हो तुम यहां पे ध्यान से सोचो क्वेश्चन को बच्चों व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल बिकम जीरो मतलब उसमें तो बहुत सारा पानी आ गया अगर उसमें पानी आया तभी तो वो टर्जिड हुआ ठीक मतलब है फ्लैसिड नहीं व्हेन वाटर पोटेंशियल बिकम जीरो मतलब मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम पानी अगर मैक्सिमम पानी है तो वो सेल टर्जिड है ठीक है देखो चाहे वो जेनेटिक्स है चाहे ये चैप्टर है ये दोनों चैप्टर ही हमारे ऐसे चल रहे हैं जिसमें तुम्हें दिमाग से सोचना पड़ेगा ठीक है चलो नेक्स्ट जल्दी से इफ अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ गिवन सॉल्यूशन, व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड इट्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस यस बिल्कुल सही गुड बच्चा पार्टी चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों द कंसेप्ट ऑफ वॉटर पोटेंशियल बाय वैसे ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप लर्न कर सकते हो इसको ठीक है मैंने तुम्हें बता ही दिया था वहां पे लिखा हुआ था स्लैट लेयर एंड टेलर देन बच्चों द सोल्यूट पोटेंशियल कैन बी डिटर्मिंड इन सिंपल मैनर बाय सोल्यूट पोटेंशियल को हम सिंपल मैनर में किस चीज से मैयर कर सकते हैं जल्दी से बच्चों यस, ऑस्मोटिक प्रेशर से ठीक है मैंने बाद में बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इन प्लांट्स वॉटर रिलेशन साई इंडिकेट ये तो बहुत ही सौखा क्वेश्चन है साई 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 यस, वॉटर पोटेंशियल क्लियर चलिए बच्चा पार्टी सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन बच्चा पार्टी So, of course, of course, Bacho. everyone in the chat box with the doctor's heart, we are awesome because we are doctors, future doctors. Yes. तो बच्चों जितने बच्चों को अच्छे से, से सेशन समझ में आ गया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जितनों को फिर भी थोड़ी दिक्कत है वो फिर से फिर सेशन को सुनना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर देना मैं उसको बता दूंगा आपको ठीक है चलो बच्चो सो फॉर द Year 2020 ठीक है तो अब हम बच्चों कल के, कल को न्यू ईयर में जा रहे हैं तो उसके लिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन द एडवांस मैंने आपको पहले एक सेशन में सारा कुछ बताया कि क्या थिंकिंग हमें रखनी है नए साल में जाना है बस नए साल में सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है हमारे गॉड की भगवान की ब्लेसिंग्स और बच्चों फिर हमने न्यू साल में पॉजिटिविटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ अपने टीचर्स के साथ किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो पूरे ऑनलाइन में कहीं पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो अपने टीचर के ऊपर बिलीव रखिए बच्चों उनसे पढ़िए अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करिए और नेक्स्ट ईयर बच्चों नीट को फोड़ दीजिए ठीक है बच्चों चलिए जी सो so, बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज की स्लाइड्स डॉक्टर उषा नेगी ने बनाई थी एंड बच्चों ये है सब्सक्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वेदांतु ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए और बच्चों सेशन को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों शायरी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे आज टाइम की बहुत टाइम नहीं है इतना ठीक है नेक्स्ट टाइम पक्का ओके बच्चों बाय बाय ऑल द बेस्ट एंड ईयर इन एडवांस बबाई बच्चा पार्टी गॉड ब्लेस यू बी हैप्पी बाय